जो भी काम गलत करते हैं, मैं गलत काम करता हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं जो गलत काम करता हूँ मुझे गोली चलाए, मैं पाकिस्तान के लिए जो ना 26,000 फैजन गिरशिर 24,000 बुलंदी में इसलिए मैंने खिदमत किया था। मेरा बहन यहाँ तबूत में न रहे, मेरे बेटे को कत्ल करे, मैं इसलिए जो ना पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहा हूँ। डेली गेटू पाकिस्तान के लिए है, मैं हूं मोहम्मद अयूब खान। नाजरीन, इस वक्त मैं गुपिस के मुकाम पर मौजूद हूं। गुज़िश्ता रोज़ यहां पे बथिरेत के मुकाम पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। बथिरेत स्कूल टीचर वहां से अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद अपनी बहन के साथ वो घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में सुनसान एक जगह है, वहाँ पर दो मुसल्ला अफराद ने उनको रोका, उनसे मुख्तसर गुफ्तगू की मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से, उसके बाद स्कूल टीचर पर उन्होंने फायर खोल दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। वहाँ से मुकामी लोगों ने उसको गुपिस हस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसने दम तोड़ दी। आज इलाका मकीनों ने शारा गजर के ऊपर धरना देकर इसको ब्लॉक किया है। तमाम जो गजर की ट्रैफिक थी वो इस वक्त यहाँ पर रुक गई है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। ताहम हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामी की जानिब से अभी तक मुजाहिरी धरने में कोई अहम अहदेदार या शख्स यहाँ पे नहीं आया है। हमारी बात हुई धरने के शुरका से, उनके मुतालिबात कुछ यूँ हैं कि एक तो मुलजमान की फिल फोर जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई जाए। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान स्कॉट्स को इन नालाजात के ऊपर तैनात की जाए, क्योंकि ख़ासकर बथिरेत सिंगुल और रोशन के जो नाले हैं यहाँ पे अक्सर इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, लोग अदम तहफ़ का शिकार हैं। उनका यही मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान स्कॉट्स को इन नालाजात के ऊपर तैनात करके यहाँ के लोगों की जान इज़्ज़त और आबरू का तहफ़ किया जाए। और तीसरा जो अहम मुतालबा है वो ये है कि बथिरेत का इतना बड़ा इलाका है, उसमें कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है, जिसके बायस इस तरह के वाक़यात जब रोनुमा होते हैं तो वहाँ से बर वक्त रिपोर्ट नहीं होती और अक्सर मुलजमान वहाँ से फ़रार होने में कामयाब होते हैं। आज भी गुपिस के मुकाम पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई है, ख़ास गुस्से में है। डेड बॉडी की तदफीन नहीं की गई है, जब तक मुलजमान की गिरफ़्तारी नहीं होती, जब तक यहाँ आप आके हुकूमती या रियासती कोई शख्स आके इनको इनकी जान माल इज़्ज़त का तहफ़ का यकीन नहीं दिलाता, तब तक ये धरना यहाँ पे जारी रहेगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि गुपिस फंडर के इलाकों से गिलगित जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी है, जिसके बाइस वहाँ पे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पैदल लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ताहम 24 घंटे गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से या रियासती इदारों की जानिब से कोई अहम शख्स यहाँ पर नहीं आया है।